नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोग देख रहे हो स्वराज 744 एफई है, 4-स्टार ट्रैक्टर है, 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, पीछे लगे हुए हैं नोगा कल्टीवेटर है भाइयों। और इस ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। 4-व्हील में भी चलवाएंगे, 2-व्हील में भी चलवाएंगे, डिफरेंस भी देखेंगे क्या आता है, और दोनों लीवर डाउन करके भी देखेंगे ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस कैसा है, कैसा खींचता है, सारी कुछ चीजें रहेंगी। और वीडियो के लास्ट में आपका परिचय किसान भाई के साथ भी कराऊंगा और किसान भाई से भी जानेंगे इससे पहले कौन सा ट्रैक्टर चलाते थे, क्या कुछ चीजें लगी, क्या खासियत है इसके अंदर नजर आई, सारी कुछ चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कितने आरपीएम पे चलाओगे? 18 पे चलाओगे। तो पहले चलाओ 2-व्हील में, 2-व्हील में है ना, एक चक्कर मारो और फिर चलाएंगे 4-व्हील में। तो भाई देखो सारी चीजें आप लोगों के सामने रहेंगी। एचपी की बात कर लूं तो 45 से लेकर 50 एचपी की कैटेगरी का ये ट्रैक्टर है। कंप्लीट जो एचपी है, एक्चुअल एचपी है वो स्वराज नहीं बताता, एक अराउंड देता है भाई। 1800 आरपीएम पे किसान भाई चला रहे हैं हाई के फर्स्ट गियर में। पहले 2-व्हील में चलेगा और उसके बाद में 4-व्हील में भी आपको मैं इसका जो परफॉर्मेंस है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। ये किसान भाई थोड़ा सा लीवर वगैरह जो है सेट कर रहे हैं अपने हिसाब से, और ये देखो चल दिया है, सेठ दहाड़ता हुआ। टोपलिंग तार लो, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लिंक नीचे है, ये लिंक भी नीचे हो रही है कि इधर से नीचे हो रहा है कल्टीवेटर। और तार दो एक चूड़ी, बस बस बस, देखियो थोड़ा सा और चला के देखो जब चलेगा पता। भाई देखो कल्टीवेटर आगे से नीचे हो रहा था, प्रॉपर लग नहीं रहा था, अब देखो बिल्कुल प्रॉपर लग रहा है आज दोनों तरफ से, ये नीचे हो रही है, इसे एक चूड़ी चढ़ा दो इसकी भी। यहाँ तक रखो या कवाड़ा फंस जाएगा, शरीर का जो कवाड़ा है वो फंस गया इसके अंदर, ज्यादा मत करियो एक ही चूड़ी चढ़ाइयो। अब देखते हैं भाइयों, देखो अब बराबर लगेगा या नहीं, क्योंकि देखो कल्टीवेटर अगर बराबर नहीं लगता ना भाइयों तो ट्रैक्टर के ऊपर लोड जो है ना वो ज़्यादा आता है। ये देखो अब देखो बिल्कुल चौरस लग रहा है कल्टीवेटर, चारों तरफ से बिल्कुल चौरस है, आगे से भी पीछे से भी और साइडों से भी, ये देखो। तो भाइयों ये चीज़ भी ना आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दिया करो इस चीज़ पर, थोड़ा सा इस चीज़ को ना सेट कर लिया करो अपने हिसाब से, क्योंकि ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस तभी निकल कर आता है, मैं अगर कहूँ एक लेवल है उस लेवल से चलाते हैं तब निकल करके परफॉर्मेंस उसका आता है। ये 2-व्हील में भाई ट्रैक्टर चल गया, अब तक देखो 2-व्हील में चल रहा था, अब 4-व्हील का लीवर किसान भाई ने डाल दिया और अब देखो परफॉर्मेंस, स्लिपेज बिल्कुल खत्म हो गया, ट्रैक्टर ने लोड लेना बिल्कुल बंद कर दिया और मजे में चल रहा, भागने लग रहा है। ये देखो भाइयों परफॉर्मेंस, ये आप परफॉर्मेंस देख रहे हो स्वराज 744 एफवी 4-स्टार 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का। भाइयों इसके अंदर जो गियर बॉक्स है ना वो सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स है, हाई लो ही गियर बॉक्स है, मीडियम का ऑप्शन नहीं है, 8+2 गियर बॉक्स दिया गया है। 1700 किलोग्राम की लिफ्ट के साथ में आता है ट्रैक्टर ये, और 3 सिलेंडर का 3136 सीसी का इंजन इसके अंदर लगाया गया है। कैटेगरी का ट्रैक्टर है, 45 से लेकर 50 एचपी की कैटेगरी का है। एक्चुअल नहीं बताती कंपनी कि एक्चुअल कितने एचपी है। तो भाइयों अब सुमित भाई ट्रैक्टर पर बैठ गए हैं और आरपीएम सेट कर रहे हैं, अब आपको वीडियो में आनंद देखने का जरूर मिलेगा। अब ये देखिए देखे भाई, सुमित भाई का जलवा, सुमित भाई ने हाथ भी बुला लिए हैं टेलर से खड़ा होने के लिए। और भाई 9 टाइम के कल्टीवेटर हैं इस पे, ये देखे भाई, ये देखे आवाज देखे कितनी प्यारी लग रही है। और भाई एक बार आप फ्रेम तक मिट्टी आ गई है, आप देख सकते हैं ये देखिए, और भाइयों एक बंदा और खड़ा हो चुका है।
काफ़ी हार्ड सोइल है, ऐसी बात नहीं है कि रेतीली मिट्टी हो। और सुमित भाई भी खड़े हो चुके हैं। हाँ जी सुमित जी, आपको कैसा परफॉर्मेंस लगा इसका? बहुत बढ़िया चल रहे हैं। थोड़ा सा किसान भाई से भी जानने के ट्रैक्टर के बारे में कि परफॉर्मेंस इन्हें कैसा लगा। बाकी आप लोगों ने तो देख ही लिया कैसा परफॉर्मेंस था, सारी कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने ही थी। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो जो सामने से आपको हमारे दर्शक भाई किसान भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय आपने अपना कराया। मेरा गांव सैदपुर जिला बुलेंस है, शुभ नाम मेरा मनीष सिरोही। तो सिरोही साहब, ट्रैक्टर खरीदे हुए लगभग समय कितना हो गया? ट्रैक्टर खरीदे हुए साहब एक साल हो गया है। एक साल हो? हाँ जी। तो इससे पहले क्या अपने पास कोई और ट्रैक्टर भी था या पहला ट्रैक्टर? हाँ जी, ही ना, ना ना ना, इसके पहले हाँ आइसर 485 था। अच्छा, 485 चलाते थे। तो 485 जैसे आप आइसर का चला रहे थे, उसमें क्या कुछ ऐसा आपको लगा कि आपको स्वराज की तरफ जाना पड़ा? क्या ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं था या क्या चीज़? हाँ, आपको नजर आई परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था उसका, इतना जितना इसका। स्वराज का आपने कहीं नाम सुना था या कैसे विचार, मतलब इसकी तरफ जाने का कैसे बना? कंपनियां तो मार्केट में और भी बहुत सारी ऐसा है, सुनो एक मिनट मैं तुमसे बात करता हूँ। वो हमने एक रिश्तेदार पे से खरीदा था, जो आइसर खरीदा, आइसर खरीदा था जी। अच्छा, उसने बोला जी बहुत अच्छा चलता है, तुम और नए पे क्यों जाते हो, इसे दो जी, इसे लो जो मेरे पास है, ये अच्छा चलता है। अच्छा जी, हम कोई बात नहीं ले आए, वहाँ पहुँच गए, उनके बाद उसके बाद हम ले आए आइसर 85। यानी कि जो डीलर साहब थे वहाँ से रिश्तेदारी वाला मामला एक था, संबंध अच्छे थे। संबंध अच्छे थे जी, और हम ले आए वहाँ से। अच्छा, उसके बाद हमें चला के देखा वो, तो इतना खास मतलब हमें आपको अच्छा इतना खास वो लगा नहीं? लगा नहीं। टेलर पर भी देखा, टेलर पर भी नोफाली के पे भी दब जाता था वो। लगभग अगर मैं कीमत आपसे जानने की कोशिश करूँ उसकी, तो किस कीमत के अंदर आपने वो खरीदा था और वो किस सन में खरीदा था? अच्छा, वो खरीदा था जी सन 2018 में। 18 में खरीदा था। हाँ, कीमत मैं आपसे जानने की कोशिश करूँ, कुछ अंदाजा आपको हो लगभग? हाँ, अंदाजा है शायद 430 का खरीदा था। 430,000 आपने ऑन रोड खरीदा? हाँ जी जी। फिर जैसे आप स्वराज की तरफ गए, तो ये किस कीमत के अंदर खरीदा? अच्छा, ये तो हमें 830,000 का मिला है जी। 830 का ऑन रोड पड़ा आज से एक साल पहले जी। तो जैसे आपने फोर व्हीलर लिया, पहले आप टू व्हील चला रहे थे, हाँ तो फोर व्हील आपने मतलब कहीं पर देखा था या इसका विचार कैसे बना? नहीं जी, वो हमारे भैया की वो थी, मतलब चॉइस जो थी वो 4x4 चलाने की थी। अच्छा, आपके जो बड़े भाई, हाँ बड़े की चॉइस थी फोर व्हील चलाने, फोर चलाने, उन्होंने कहीं पर देखा था उसको? हाँ हाँ, देखा था जी, जब तो उनका वो हुआ था कि हाँ फोर व्हील ड्राइव ले। तो जैसे आपने मतलब जो चीज़ें देखी थी कि फोर व्हील के हम लेंगे तो ये चीज़ें कर सकते हैं, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो क्या आपको ट्रैक्टर खरीदने के बाद वो चीज़ें मिली? हाँ जी, हम इससे मतलब इतने खुश हैं कि और किसी ट्रैक्टर को चलाने का मन ही नहीं कर रहा, इसे चलाने का। हाँ, इसके आवाज़ तो है ही लाजवाब। हाँ, आवाज़ की तो बस जी। तो जैसे मैं अगर इसकी आपसे बात करूं डीजल खपत की, आपने एक साल लगभग हो गया अच्छे से चला लिया होगा। हाँ, हर इम्प्लीमेंट पे चला लिया होगा, तो लगभग क्या डीजल खपत इसने करी घंटे में? अगर हम एक हैवी लोड की बात कर लें, चाहे वो कल्टीवेटर का हो या रोटावेटर का हो, तो लगभग एक अनुमान आप बताएं हमारे किसान भाइयों को कि क्या रहता है डीजल खपत इसकी? देखो जी, डीजल खपत शायद इसकी 6-6.5 लास्ट 7 तक है, 7 लीटर रोटावेटर हैवी लोड के, हैवी लोड। अच्छा, जैसे कल्टीवेटर पे तो किसान भाइयों ने देख लिया परफॉर्मेंस कैसा था, रोटावेटर की आपसे बात मैं करूं तो रोटावेटर के ऊपर ऐसी स्थिति तो नहीं बन जाती कि ट्रैक्टर घुटने लगता हो, दम तोड़ने लगता? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कहो तो रोटर भी चलवा के दिखा देंगे। बढ़िया चलाते? बढ़िया एकदम, फर्स्ट क्लास। 7 फीट चलाते हैं? हाँ जी, मतलब सब कुछ चला के देख लिया, ये सब तरीके से हमें जो कहीं मतलब फेल नहीं हुआ आज तक, फेल नहीं हुआ। हाँ जी, हर तरीके से, हर तरीके से बेस्ट। बाकी इसके बारे में और मैं अगर बात करूं आइसर के बारे में, अंतर जानने की आपसे मैं कोशिश करूं, तो लगभग कहां अंतर नज़र आया और क्या कुछ अंतर नज़र आया आपको? ताकत की बात हम कर लें, देखो फोर व्हील है वो तो अंतर फोर व्हील वाला आएगा, अगर ताकत की एक इंजन वाइज बात कर लें तो अंतर में, ताकत में क्या अंतर लगा दोनों? अजी, हमें तो ताकत में ही बहुत अंतर लगा इसमें जी। यो आज तक कहीं दवाई ना हम पे। अच्छा, ये दबता नहीं? और वो एक बार हमने गन्ने खेत में उससे ट्रॉली भर दी तो वहाँ भी फंस गया वो। अच्छा, वो फंस गया? हाँ, 485 जो था वो वहाँ भी फंस गया जी। जी,
दूसरा ट्रैक्टर बुलाया जब निकलवाया ये नहीं मानता कहीं ना ना ये तो कहीं लोड मानता ही नहीं है जी जी हाँ। बाकी और कुछ आपको जैसे कंपनी तो देखो कोई भी कंपनी है तारीफ करती है हाँ। आपको कोई इसके अंदर कमी नजर आई हो अब तक बीते नहीं जी देखो जी अब तक तो कोई कमी नजर आई नहीं या कुछ ऐसा लगा हो ट्रैक्टर के अंदर कि हाँ यार ये कमी है इसको अगर कंपनी ऐसा कर देती तो ज्यादा बेटर हो जाता ये सुधार कर सकती थी कंपनी नहीं किया ऐसा कुछ लगा आपको ट्रैक्टर के अंदर ना जी इसमें कुछ ऐसी चीज है ही ना जो कहीं मतलब कंपनी ने ऐसा कमी छोड़ी हो बेस्ट सब बेस्ट जी हाँ। बाकी अगर मैं बात करूँ आज के समय की तो आपके हिसाब से या आपके अनुभव से आज के समय में अगर कोई किसान भाई ट्रैक्टर लेने का विचार करे तो क्या इसकी तरफ जा सकता है स्वराज की हाँ जी देखो इसकी तरफ जाने में ही मतलब फायदा है हमें तो ऐसा लगा चाहे हाँ, वो ताकत की बात ताकत हो की चाहे बात वो डीजल खपत डीजल की बात के हो हाँ जी मिनिमम ही रहता है ये नहीं कि बेतुका डीजल खा ना 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 कोई इतना अंतर नहीं है वहाँ तो जी बेस्ट लगा बेस्ट तो भाइयों हमारे साथ देखो किसान भाई जुड़े हुए थे आप लोगों ने जाना इनके अनुभव के बारे में इससे पहले कौन सा ट्रैक्टर चलाता था उसके बारे में तो वीडियो आपको ये कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट है फेसबुक पेज पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करें बाकी मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और लाजवाब वीडियो के साथ तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।